रिजल्ट भी आउट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बैठक बुलाई गई है। चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। यूपी में आखिरी चरण की वोटिंग लगातार जारी है और इसी वोटिंग के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में सातवें चरण के लिए आज 9 जिलों में 54 सीटों पर आखिरी मतदान जो है वो हो रहा है और इसके बाद अब सबको इंतजार है 10 मार्च का। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, अब केशव जी 10 मार्च का इंतजार है? नहीं, अभी 10 मार्च नहीं, अभी तो शाम 6 बजे तक का इंतजार है। जो हमारे पूर्वांचल का एक एक मतदाता, पूर्वांचल के विकास के लिए, पूर्वांचल में सुरक्षा के लिए, पूर्वांचल से गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। और मैं अपील भी करता हूँ एबीपी गंगा के माध्यम से कि निकलो घरों से और अपने मताधिकार का प्रयोग करो, गुंडागर्दी का अंत करो, विकास के पथ पर बढ़ रहे उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से अपना आशीर्वाद देने का काम करो और भारी मतदान करो। यह आपकी ताकत है, यह ताकत आपकी घर में न रह जाए, खेत में न रह जाए, दुकान में न रह जाए। आप घरों से, दुकानों से निकलिए बाहर और अपने मताधिकार का प्रयोग करके और यह दिखाइए कि यह लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। पूर्वांचल में वोटिंग हो रही है जहां पर अखिलेश यादव गठबंधन है उनका ओम प्रकाश राजभर के साथ, वो लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को जीतने नहीं देंगे, 54 में से 10 सीट भी बमुश्किल बीजेपी जीत पाए। ये सब लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी जो हांक रहे हैं ना, 10 तारीख को आकाश से उतर करके जमीन पे नहीं, पाताल की ओर जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, जनता जानती है ये सब परिवारवादी लोग हैं, ये जातिवादी लोग हैं, ये गुंडे, अपराधी और दंगाइयों के मददगार करने वाले लोग हैं। ये कभी गरीब का भला नहीं चाहते, किसान का भला नहीं चाहते, पूर्वांचल का भला नहीं चाहते, ये विकास चाहते ही नहीं है, केवल अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। फिर बाद में हमको छापे डलवा करके और तिजोरी से उनका निकलवाना पड़ता है। तो इसलिए जनता बहुत समझदार है और गरीब कल्याण के मुद्दे पर धर्म और जाति से ऊपर उठ करके लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, सड़क के लिए कर रहे हैं, बिजली के लिए कर रहे हैं, पानी के लिए कर रहे हैं, खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, मजदूरों को अनेक प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कर रहे हैं, गरीबों को जो घर मिल रहा है उसके लिए कर रहे हैं, जो फ्री राशन मिल रहा है उस मुद्दे पर कर रहे हैं। लोग भारी मतदान कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर रहे 3 दिन तक वाराणसी में, रोड शो भी निकला, उसका भी फायदा मिलेगा क्या पूर्वांचल की सीटों पर? पूर्वांचल क्या, पूरे देश में फायदा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहीं पर भी रहना होता है तो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर फायदा ही फायदा मिलता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी संसदीय क्षेत्र है और वह आसपास के सभी जिलों में गए हैं, उसका स्वाभाविक तौर से बहुत बड़ा असर है और उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। और जनता भी अपने अधिकारों को समझी, मोदी जी अगर कुछ कहते हैं तो गरीब आदमी सबसे ध्यान से सुनता है कि अगर गरीबों का कोई मसीहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं तो गरीब उसको सुनकर उसी के हिसाब से काम करता है। इसी से सपा बसपा वाले बौखलाए हैं, कांग्रेस वाले बौखलाए। आज अखिलेश यादव ने कहा कि जो ऑपरेशन यूक्रेन, जो बच्चे लाए जा रहे हैं उनका नाम इसलिए रखा क्योंकि पूर्वांचल में चुनाव था, इसलिए उसका नाम ऑपरेशन गंगा रख दिया। जिसको दृष्टि दोष होता है, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है, वह ऐसी भाषा बोलता है। गंगा मैया तो त्रिपद गामिनी है, स्वर्ग में भी, धरती में भी, पाताल में भी, सब तरफ बहती है। अगर गंगा के नाम से अगर कोई ऑपरेशन रखा गया और तिरंगे का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है तो उसका वेलकम करने की जगह और उस पर भी सवाल उठा करके अपनी मतलब बहुत घटिया मानसिकता का परिचय उन्होंने देने का काम किया है। यह चुनाव गरीब कल्याण के मुद्दे पर है, यह चुनाव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर है, यह चुनाव